मौजूदा वक्त की स्थिति यह है कि असल में ना शहर में रोजगार है और ना गांव में किसानों को हक मिल पा रहा है। पर अगर कोई नहीं स्वीकारता है कि वो सिर्फ अपने लिए ले रहा था, अगर वाकई कोई प्रोक्योरमेंट का एक एक, एक ट्रेन बनाता हुआ दिखता है, तो फिर तो वो उस नेटवर्क का हिस्सा माना जाएगा ना। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। आप एक सीलिंग लगा दीजिए ना कि मिनिमम से इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, ये करने में दिक्कत क्या है। सारा अली खान के घर एनसीबी टीम भी पहुंची। सारा और श्रद्धा को 26 सितंबर को हाजिर होना है। देश में कुछ मुद्दे आम जनता से ताल्लुक रखते हैं और देश में कुछ मुद्दे मीडिया के लिए सिर्फ टीआरपीए का जरिया बन गए हैं। कुछ मीडिया एंकर हैं जिनके डिबेट को लाखों लोग देखना पसंद करते हैं। आज हम उन्हीं की पिछले हफ्ते की डिबेट देखेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट्स के जरिए उठाया। पहले बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की। आइए देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट्स में अहमियत दी। पहला, बीजेपी से क्यों दूर जा रहे हैं पुराने सहयोगी, क्या बिहार में बनी रहेगी एनडीए की एकजुटता। दूसरा, महाशक्तियों की लड़ाई में भारत का फायदा या नुकसान। तीसरा, बिहार में कौन जीत रहा है, बिहार में मुद्दा क्या है, सुशासन या सुशांत। चौथा, किसान चक्का जाम कर रहे हैं या उससे करवाया जा रहा है, डबल हो जाएगी किसान की आमदनी। और पांचवा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पॉलिटिक्स, सुशांत केस बिहार पुलिस ने उठाया या पॉलिटिक्स ने। संदीप अपनी डिबेट अलग अलग मुद्दों पर करते हैं और ज्यादातर उन मुद्दों को अहमियत देते हैं जो देश में चल रहे होते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ जरूरी मुद्दों पर अपनी डिबेट में चर्चा की। संदीप ने अपनी डिबेट में किसानों की परेशानियों को अपनी डिबेट में उठाया और सत्ता में बैठे नेताओं से सवाल किए। आप एमएसपी गारंटी क्यों नहीं कर देते? अब तो उलट आपके कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं कि एमएसपी तो कानून का हिस्सा नहीं था और ना है, ना हमारे टाइम पे है ना कांग्रेस के टाइम पे था। आप एमएसपी गारंटी क्यों नहीं करते? यदि आप केवल व्यापार विनिमय किसी भी चीज का करने का प्रयास करेंगे तो उसमें कभी भी संबंधित वर्ग को लाभ नहीं होता, उसमें भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाएं बहुत सारी होती है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। आप एक सीलिंग लगा दीजिए ना कि मिनिमम से इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, ये करने में दिक्कत क्या है। आप इससे नीचे नहीं खरीदेगा तो फिर आप ऊपर की सीलिंग नहीं लगा सकते। नहीं, ऊपर की लगाने की कौन कह रहा है, ऊपर की लगाने की कौन कह रहा है, नीचे की सीलिंग लगाइए ना, ऊपर जाने दीजिए बाजार के हवाले। अरे सुनिए तो मान्यवर, सरकारी व्यवस्था में सीलिंग है, इससे नीचे नहीं खरीदा जाए। यहाँ पर तो आप प्राइवेट को बेच रहे हो, ऊपर दाम पर बेचोगे ना, यही तो कह रहे हैं। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की, जो लगातार अपनी वीडियोस के जरिए सरकार की पोल खोलते दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, भ्रष्टाचार से लड़ना था पर भ्रष्टाचार को ही सिस्टम बना लिया। दूसरा, चुनावी मुनादी में बिहार की जनता कहीं नहीं। तीसरा, फार्मर्स फ्रीडम, तो क्या मोदी जी देश को समझ ही नहीं पाए। चौथा, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, बिना विपक्ष बिल पर सवार सरकार को कौन रोकेगा। और पांचवा, पार्लियामेंट एंड बिल्स, संसद का क्या फायदा जब पहले से ही तय हो बिल पास होगा। प्रसून वाजपेयी अक्सर सत्ता में बैठी सरकार से सवाल करते हैं, चाहे वह कोई भी पार्टी हो। इस बार भी प्रसून वाजपेयी ने किसान बिल पर चर्चा की और उसे भारत की इकोनॉमी के साथ जोड़कर बताया। हमें लगता है कि इस देश में अर्थशास्त्रियों का जो समूह है, जो प्रधानमंत्री को समझाता है, उसने गलत नहीं समझाया कि आप जो किसानों से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ बिल ला रहे हैं, वो बिल लेकर आइए। सामान्य स्थिति इस देश की होती तो इस बिल को लेकर शायद एक दूसरी परिभाषा गढ़ी जाती। ये दूसरी परिभाषा ऐसे वक्त गढ़ने की मुश्किल आ गई कि जहां पर लोगों को 2 जून की रोटी मुहैया नहीं हो पा रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हो गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पहले ही तबाह कर दिया गया। हमारे पास इकोनॉमिक ढांचा नहीं बचा है, किस आधार पर आने वाले वक्त में इकोनॉमी चलेगी हम नहीं जानते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति यह है कि असल में ना शहर में रोजगार है और ना गांव में किसानों को हक मिल पा रहा है, तब आपने ये बिल को सामने लेकर आए हैं। तो समझाने वाले अर्थशास्त्री शायद ये ना समझ पाए कि अगर ये बिल 2015 में आ गया होता तो स्थिति दूसरी होती, क्योंकि 2015 के बाद के लिए गए सारे निर्णयों ने इस देश के भीतर में इकोनॉमिक रिफॉर्म को खत्म कर दिया। अब बात करते हैं उस मीडिया की जो सरकार से नहीं बल्कि ज्यादातर विपक्ष से सवाल करता दिखाई देता है। आइए देखते हैं वह किन मुद्दों पर व्यस्त थे। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप की और जानेंगे उन्होंने अपनी डिबेट किन मुद्दों पर की। पहला, दीपिका का मोबाइल जब्त, लेगी ड्रग्स मंडली की कुंडली। दूसरा, 3 हीरोइन से पूछताछ, ड्रग्स कनेक्शन की पिक्चर अभी बाकी है। तीसरा, ड्रग्स ग्रुप की एडमिन दीपिका, क्या टॉप की हीरोइन निकली टॉप की ड्रगी।
चौथा, अब नशा उतारेगी एनसीबी, दीपिका बताएगी चुटकी भर माल की कीमत। और पांचवा, दीपिका, सारा और श्रद्धा कपूर को एनसीबी का समन। अंजना की डिबेट दीपिका पादुकोण के मुद्दे से जुड़ी थी या फिर ड्रग्स से? देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था कुछ दिन पहले ही, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते केसों पर कोई चर्चा नहीं हुई, और चर्चा हुई तो किस पर? दीपिका की ड्रग कनेक्शन पर। कुल 16 घंटे की पूछताछ हुई दीपिका प्लस सारा अली खान प्लस श्रद्धा कपूर, लेकिन मोबाइल भी हुए जब्त। अब सवाल यही कि इसके डेटा को रिट्रीव करके कौन सी बड़ी जानकारी हाथ लग सकती है? जी, जो मैंडेट है कंज्यूमर को ट्रैफिकर बना दिया, आप कैसे बोल रही हैं? एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है मैम, एक काउंटर क्वेश्चन है आपकी पूरी, आपकी पूरी दलील इस एक सेकंड पर सवाल तो सुन लीजिए मैम, आपकी पूरी दलील इसी बात पर है कि आपको लगता है रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया गया है, कंज्यूमर की जगह उन्हें ट्रैफिकर बता दिया गया है। पर अगर कोई नहीं स्वीकारता है कि वो सिर्फ अपने लिए ले रहा था, अगर वाकई कोई प्रोक्योरमेंट का एक ट्रेन बनाता हुआ दिखता है, तो फिर तो वो उस नेटवर्क का हिस्सा माना जाएगा ना। क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए जैसा वो क्लेम करती है कि वो ड्रग्स ला रही थी, तो आपको प्रोक्योर करने की कौन सी मजबूरी थी, कौन सा दबाव था? अब बात करते हैं न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चुरसिया की, और जानेंगे उन्होंने अपनी डिबेट में किन मुद्दों को अहमियत दी। पहला, जावेद अख्तर इन डिफेंस ऑफ करण जौहर्स पार्टी। दूसरा, डर्टी पिक्चर ऑफ के वैन्स नॉन एक्सपोजर एक्सपोज्ड। तीसरा, देश की बहस बॉलीवुड ड्रग्स गैंग एक्सपोज्ड ओपन कुंडली। चौथा, हाउ द इन्वेस्टिगेशन रीच्ड दीपिका एंड दिया। और पांचवा, सो मच डिस्कशन इन पार्लियामेंट ऑन दिस इशू बट व्हाई बॉलीवुड इज साइलेंट। दीपक चुरसिया की डिबेट के मुद्दे भी बॉलीवुड से ही रिलेटेड हैं। इन्हें भी देश में चल रहे मुद्दे या तो दिखे नहीं या ये देखना नहीं चाहते। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स गैंग की जड़ें कितनी गहरी थी, एयर स्टेट सितारों का एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से लेकर फिल्म मेकर मधु मंटेना वर्मा गंभीर आरोपों के कटघरे में है। दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने 25 सितंबर को तलब किया है, और आज शाम सारा अली खान के घर एनसीबी टीम भी पहुंची। सारा और श्रद्धा को 26 सितंबर को हाजिर होना है। आपके अपने चैनल न्यूज़ नेशन ने सबसे पहले यह मुहिम शुरू की थी कि ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए मामले की तह तक जाना जरूरी है। उधर सवाल कौन जैसी कंपनियों पर भी उठे हैं जो टैलेंट का मुखौटा लगाकर ड्रग्स मैनेजमेंट को अंजाम देती रही। ऐसे में यह मांग होने है कि इन जैसी कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। साथ ही सवाल यह भी कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल सितारे क्या यूथ आइकन कहलाने लायक है, क्या इनका सार्वजनिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए। खैर, देश में और भी बड़ी समस्याएं हैं जो घट रही हैं, और मीडिया में उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। हम आपको लगातार देश में चल रहे बाकी मुद्दों के बारे में बताते ही रहते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.